स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंग्लिश लिटरेचर में से पोइट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म को पढ़ेंगे जिसका नाम है सनेट। ठीक है, सनेट जो है ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है, खासकर ये बीए के सिलेबस में है, इसलिए बीए में सनेट से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम पॉइंट वाइज देखते हैं। तो आइए हम सबसे पहले सनेट के मीनिंग को देखते हैं। द वर्ड सनेट हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सनेटो विच मीन्स अ लिटिल साउंड और स्ट्रेंथ। ठीक है, सनेट जो कि इटालियन वर्ड सनेटो से लिया गया है, इसका मतलब होता है अ लिटिल साउंड और स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके बाद हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो सनेट इज अ काइंड ऑफ लिरिक पोएट्री। सनेट एक प्रकार की छोटी कविता होती है। ठीक है, लिरिक पोएट्री मतलब शॉर्ट नरेटिव पोएम। उसके बाद इट कंसिस्ट ओनली 14 लाइन। इस जो सनेट होता है वो केवल 14 लाइन की कविता होती है विद पार्टिकुलर राइमिंग, जिसमें विशिष्ट रूप से राइमिंग स्कीम को अरेंज किया गया होता है एंड आयम्बिक पेंटामीटर, और इसमें हमें आयम्बिक पेंटामीटर भी देखने को मिलता है। कहने का मतलब जो सनेट होता है वो 14 लाइन की कविता होती है और इसमें हमें आयम्बिक पेंटामीटर देखने को मिलता है और राइमिंग। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आयम्बिक पेंटामीटर होता क्या है। तो आयम्बिक पेंटामीटर ये हमारे 5 फुट होते हैं, 5 फुट को हम आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। और ये जो 5 फुट बनते हैं ये कैसे बनते हैं, तो 5 फुट में 10 सिलेबल होते हैं, जिसमें से एक हमारा होता है स्ट्रेस सिलेबल और दूसरा हमारा होता है अनस्ट्रेस सिलेबल, जो कि हम इस मार्क से दर्शाते हैं, ब्रैकेट में दिया हुआ है दोनों, तो देख लीजिएगा आप लोग। दीज बोथ सिलेबल्स एंड 1 आयम्बिक मीटर और 1 फीट। ठीक है, तो एक स्ट्रेस सिलेबल और एक अनस्ट्रेस सिलेबल दोनों को मिलाकर 1 मीटर बनता है। उसी तरीके से ये 5 मीटर बनेगा तो हमारा आयम्बिक पेंटामीटर होगा, और आयम्बिक पेंटामीटर ही सनेट में इस्तेमाल किया जाता है सनेट को लिखने में। ठीक है, तो आइए अब हम सनेट को डिटेल में देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है हमारा, द सनेट वर ओरिजिनेटेड इन सिसली इन इटली इन 13th century एंड दांते इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ सनेट। ठीक है, ये जो हमारा सनेट है इसकी उत्पत्ति इटली के एक शहर सिसली में हुआ था 13th century में। ठीक है, एंड दांते इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ सनेट, और दांते को सनेट के फादर कंसीडर किया जाता है, मतलब सनेट के फादर कौन कंसीडर किए जाते हैं, दांते। ठीक है, लेटर इट वॉज परफेक्टेड बाई पेट्रार्क। उसके बाद पेट्रार्क ने इस सनेट को सिद्ध किया। ठीक है, पेट्रार्क ने जब इस सनेट को सिद्ध किया तो एंड पेट्रार्क इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ सनेट, इसलिए पेट्रार्क भी इटालियन सेनेट के फादर कंसीडर किए जाते हैं, मतलब दांते एंड पेट्रार्क दोनों ही फादर कंसीडर किए जाते हैं इटालियन सेनेट के। उसके बाद सेकेंड पॉइंट को देखते हैं, द सब्जेक्ट ऑफ इटालियन सेनेट वॉज ओनली लव बिटवीन मैन एंड वुमेन नॉट अदर। ठीक है, तो सेनेट का जो सब्जेक्ट होता है वह केवल लव के बारे में, मतलब कहने का जो सनेट है वो केवल लव के बारे में लिखा जाता है, मेन एंड वुमेन के, और किसी पे नहीं लिखा जाता था। द इटालियन सनेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उसके बाद इटालियन सनेट को 2 भागों में बांटा गया था, पहला ऑक्टिव जो 8 लाइन की होती थी एंड सिस्टेड मीन्स 6 लाइन की। ठीक है, Generally the first line rhymed with the 4 and second with 3rd। और इसमें होता क्या था, generally जो first line का rhyme होता था वो 4th line से होती थी और second line का rhyme जो होता था वो 3rd line से होती थी। ठीक है, उसके बाद हम 5वें point को देखते हैं,
दांते एड्रेस्ड हिज सेनेट टू हिज बिलव्ड बेट्रिक। दांते ने अपने सेनेट को अपनी प्रेमिका को लिखा था जिसका नाम था बेट्रिक, एंड पेट्रार्क एड्रेस्ड हिज सेनेट टू हिज बिलव्ड लेडी लॉरा। और पेट्रार्क ने जो सेनेट लिखा था वो किसको डेडिकेट किए थे? लेडी लॉरा को। ठीक है, उसके बाद तो अब हम 6 पॉइंट को देखते हैं। दिस पोएटिक फॉर्म गेट ग्रेटेस्ट पॉपुलरिटी इन इटली इन 15th century एंड स्प्रीड इन फ्रांस एंड स्पेन। उसके बाद ये जो सनेट का फॉर्म था ऑक्टेव और सिक्सटेट वाला, ये 15th century में फ्रांस और स्पेन फैला, और 16th century में 7 पॉइंट को हम देखते हैं, थॉमस व्याट एंड सरे इंट्रोड्यूस्ड दिस सनेट फॉर्म इन इंग्लैंड इन 16th century। उसके बाद 16वीं शताब्दी में थॉमस व्याट और सरे द्वारा सनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराया गया। थॉमस व्याट एडॉप्टेड पेट्रार्कन फॉर्म ऑफ सनेट। उसके बाद थॉमस व्याट जो थे उन्होंने पेट्रार्कन के फॉर्म को कॉपी किया था। ठीक है, तो पेट्रार्कन का फॉर्म क्या था? ऑक्टेव और सिक्सटेड वाला, तो उस फॉर्म को थॉमस व्याट ने क्या किया था? एडॉप्ट किया था। एंड प्रोड्यूस ओनली 31 सनेट, और थॉमस व्याट ने उस पैटर्न पर केवल 31 सनेट लिखे थे। एंड ही ट्रांसलेटेड 10 सनेट ऑफ पेट्रार्क, और उसके बाद 10 सनेट्स उन्होंने पेट्रार्क के ट्रांसलेट किए थे। तो ले देखिए थॉमस व्याट ने पूरा 41 सनेट लिखे थे हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 8 पॉइंट को देखते हैं। बट अर्ल ऑफ सरे डिड नॉट एक्सेप्ट पेट्रार्कन फॉर्म ऑफ सनेट। लेकिन अर्ल ऑफ सरे जो थे वो पेट्रार्क के फॉर्म को नहीं अपनाया, मतलब उन्होंने ऑक्टेव और सिक्सटेट वाले पैटर्न को नहीं अपनाया। ही इन्वेंटेड न्यू फॉर्म ऑफ सनेट, उन्होंने एक नए फॉर्म ऑफ सनेट को अपनाया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 9 पॉइंट है, विलियम शेक्सपियर हैज परफेक्टेड दिस सनेट एंड डिवाइडेड इट इनटू 4 पार्ट। उसके बाद जो जिस तरीके को अर्ल ऑफ सरे ने अपनाया था उस तरीके को विलियम शेक्सपियर ने एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने उसको परफेक्ट कर दिया, मतलब सिद्ध कर दिया। और उसके बाद विलियम शेक्सपियर ने उसे 4 भागों में बांट दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 3 क्वाट्रेंस का इस्तेमाल किया। क्वाट्रेन मतलब एक क्वाट्रेन में 4 लाइन होती है, तो 3 क्वाट्रेन मतलब 12 लाइन हो गया। और उन्होंने 1 कपलेट का इस्तेमाल किया था जो 2 लाइन की होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा 10वां पॉइंट है, शेक्सपियर हैज़ रिटन 154 सनेट्स एंड डेडिकेटेड इट टू पर्सन। उसके बाद विलियम शेक्सपियर ने 154 सनेट्स लिखा था, और उन्होंने इन सनेट को 2 लोगों में को डेडिकेट किया था। ठीक है, पहला जो उन्होंने सनेट डेडिकेट किया था नंबर 1 से लेके 126 तक, वो सनेट उन्होंने फेयर यूथ को डेडिकेट किया था, जिसको हम मिस्टर WH के नाम से भी जानते हैं। एंड 127 से लेके 154 तक का जो सनेट है उन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट किया था। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं 11 पॉइंट को, आफ्टर इट फिलिप सिडनी एडॉप्टेड इट एंड कंपोज्ड अबाउट 100 सनेट। उसके बाद फिलिप सिडनी ने इस सनेट के फॉर्म को अपनाया, और उन्होंने लगभग 100 सनेट लिखा, और उस सनेट को उन्होंने नाम दिया, नेम्ड इट एस्ट्राफेल एंड स्टेला। ठीक है, तो फिलिप सिडनी ने उस सनेट को नाम दिया एस्ट्राफेल एंड स्टेला, एंड एड्रेस्ड इट टू हिज बिलव्ड पेनेलोप, और उन्होंने इस सनेट को डेडिकेट किया किसको? पेनेलोप, अपनी प्रेमिका को। एंड देन टू लेडी रिच, उसके बाद उन्होंने लेडी रिच को भी इस सनेट को डेडिकेट किया। ठीक है, तो इन्होंने 2 लोगों को डेडिकेट किया था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले फिलिप सिडनी जो थे पेनेलोप से प्रेम करते थे, उसके बाद पेनेलोप जो थी उन्होंने इनकार कर दिया, वो किसी और से शादी कर ली, तो उसके बाद फिलिप सिडनी ने स्ट्रॉफेल एंड स्टेला को लेडी रिच को डेडिकेट किया। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है, स्पेंसर एडमंड स्पेंसर ने
कितने सेनेट कंपोज किए, 88 सेनेट कंपोज किए एंड एड्रेस्ड टू एलिजाबेथ बॉयल, और उन्होंने इन सेनेट को एलिजाबेथ बॉयल को डेडिकेट किए थे वो, एंड नेम्ड इट, और उन्होंने नाम क्या दिया था सेनेट का, अमेरुद्दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सेनेट ख़त्म होता है। ओके, बाय।